professional. ये बिल्डिंग नहीं किला है, गार्ड देखे कितने हैं? टाइम पे पहुंच जाना। We'll be right back.
मैं दो वर्ड्स बोलूंगा, बाकी की कहानी तुम सुनाओगे। विकी चड्डा। इंडिया से ब्लैक मनी बाहर ले जाने वाले बड़े लोगों का सबसे बड़ा दलाल, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाओगे उसे, क्योंकि आज ही विकी चड्डा यहां से मलेशिया भाग गया है। बाला, विकी चड्डा तो मलेशिया भाग गया। चलो गन निकालो। लेकिन मैंने बता तो दिया। बाला दो गोली मार। मुझे पहली गोली यहाँ टांग पर, कहीं पर भी। अरे हाँ, फेमरल आर्टरी को अवॉइड करना, नहीं तो इतना खून बहेगा कि रस्ते में मर जाऊंगा। क्या बोल रहा है? दूसरी गोली यहाँ, क्या लिवर के साइड में, एग्जैक्टली यहीं मारना। चल। ए, पागल हो गया क्या तू? पागल मैं नहीं हूँ, सिस्टम है। तेरे यहाँ ताइवान आया हूँ, फिर भी एनकाउंटर जेन्युइन है, ये प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन एनकाउंटर क्यों करना है भाई? बाला रेडी? तू कार्डबोर्ड कटआउट कहीं है करण? अरे डॉट्स नहीं लगे तुझ पे? अरे यार तू इमेजिन कर लेना। अरे क्यों मरवा रहा है खुद को? किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि गोली सीधा वहीं लगे और तू बच जाए। बाला शूट, शूट। कहा था ना ऐसा मत करो। खुश मत हो, तेरा भी नंबर आएगा। अरे मैं क्यों? मैं अरे मैंने क्या यार, क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है? बाला लिवर यारी, सचमुच क्या हो रहा है ये सब? अब जाके कौन यकीन करेगा कि तूने बाला के हाथ से पिस्टल लेकर मुझे गोली मारी है। गुड बाय रेजा। बाला उसके हाथ में अपनी बंदूक थमा दे। अरे पता तो दिया था उसने, फिर मारा क्यों उसको? जिंदा रहे कि कौन सा स्वच्छ भारत का झंडा उठाने वाला था ये। हमारी टीम हेड कर रहे हैं एसीपी बक्ता। सर भीड़ बढ़ती जा रही है, लाठी चार्ज करवा दूं? नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, इन पर लाठी नहीं चलेगी। पुलिस के कुत्ते, टांगे के घोड़े और पॉलिटिशियन के लाडले बगतावर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो ऑर्डर मिला उसे पूरा करके ही लौटेगा समझो। जी मैम। आधा घंटा है तुम्हारे पास बगतावर। श्योर मैम। Encounter काउंटर को अपनी सुपारी किलर है ये, इंफॉर्मेशन और पैसा दो किसी भी गैंगस्टर को मार देगी। शेट्टी की भी हो गई छुट्टी। खबर गैंग टोटल फिनिश। इंग्लिश और इंपोर्टेड चीजें दोनों इसकी कमजोरी है। पुलिस सर्कल में रूमर है कि इसने गैंगस्टर लाल सिंह को सिर्फ एक गुची के बैग के लिए मार दिया था। जितनी गरीबी से आई है उतना अमीर बनना चाहती है। हमारे साइबर सेल के सबसे काबिल ऑफिसर जफर हुसैन।
60 सेकंड है तेरे पास ये टेररिस्ट के अकाउंट्स हैक करने के लिए। Not bad. Welcome to the force. 60 seconds. Wow, that's impressive. Systems hacking में तुम्हारा record 90 seconds का था ना? ये तो तुमसे भी sharp है। पर इसने कभी हाथ में गन नहीं पकड़ी है। इस आदमी को फेसबुक के स्टाफ में होना चाहिए था, इस टीम में नहीं। और शरद पांडे, इन्हें देखा है आपके साथ? चमचन चीफ है इस टीम में, मैडम की आंख और कान बन के जा रहा है। ऐसी घटिया टीम चुनी है तो इरादे तो नेक हो नहीं सकते। हेलो सर, सफर। आई नो। अंडर कवर का मतलब शायद विदाउट कवर समझ लिया मैडम ने। वाइस केयर नेनू भावना रेड्डी, योर नेम जाफर? जाफर। जाफर कंप्यूटर मैन? हाँ। इन पुलिस? पुलिस नो नीड कंप्यूटर, नीड गन। व्हाई यू? एक्चुअली इन टुडेज वर्ल्ड तेरे को ज्यादा मालूम है मेरे को। छोटे छोटे लाइट लो। मैं क्या बोल रही, सब जन कथे मैं आज सुपर स्टाइलिश लग रही। सब बोर्डिंग का टाइम हो गया और पांडे अभी तक नहीं आया। मैं तो टाइम पर हूं ना। हम करण पांडे, करण पांडे 52 इयर्स के हो, लिखे थे रिपोर्ट में बहुत अच्छा मेंटेन करे। पांडे ने अच्छा मेंटेन नहीं किया, उसे तो स्ट्रोक आ गया, उसकी जगह मैं ले रहा हूँ। इस साबुन पे तेरा पैर फिसलेगा सर, उससे टकराएगा और तू मर जाएगा। यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक मेरे पास ऐसे 50 तरीके हैं तुझे एक्सीडेंटली मरवाने के, पर किसी को पता नहीं लगेगा। तू एयरपोर्ट नहीं, हॉस्पिटल जाएगा। अगर मैं मान भी जाऊँ तो भी तुझे स्ट्रोक आया तू ऐसा कहेगा? हॉस्पिटल में सेटिंग हो चुकी है। पांडे क्या हुआ है? पांडे पांडे कुछ तो बोलो। मैंने कहा ना मैम स्ट्रोक है, कैसे बोलेगा बेचारा। अचानक ही आता है मैम, किसी भी इंसान को आ सकता है। अब आप लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, आपको भी डॉक्टर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं, तुम करोगे तो शायद तुम भी। पर ये करण इतना कमीना निकलेगा मुझे पता नहीं था। दीदा मैं पेपर्स। तुमको मालूम ना मैं कौन? फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री जा रही, A1 फैशन स्टाइलिश कपड़े पैक कर रही, फॉरेन लोकेशन में सुपर दिखेगा। तुम फॉरेन से क्या ले रहे? मतलब अरमानी परफ्यूम, एप्पल का फोन, रेबैन का कूलिंग ग्लास, रिलैक्स का घड़ी। हम लोग शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं। ये व्हाइट कॉलर क्राइम वाले एकदम ही चिल्लू होते, उसको लाने में क्या टेंशन लेते। प्लेन में जाओ उठाओ, प्लेन में बिठाओ, बीच में आदमी क्या करेगा? शॉपिंग। मैम एयरपोर्ट पे पांडे की जगह करण। पांडे को स्ट्रोक आया है,
अचानक, और उसके अस्पताल पहुंचते ही स्पेशल सेल से इसका रिकमेंडेशन आया। 9 पैराट्रूपर्स में कमांडो था, कोर्ट मार्शल हुआ था इसका, दिन दहाड़े सिविलियंस को मार डाला था। रूल्स में बिलीव नहीं करता, डेंजरस है, इस पर नजर रखना। अगर तुम्हें काम करने से रोके तो गोली मार, यह मैं संभाल लूंगा। गाइस, सीरियसली तुम लोग ऐसे एटीट्यूड से खड़े हो जैसे ISIS के चीफ को घेर रखा हो। बट ट्रस्ट मी, जब तुम लोग सच जानोगे ना तो तुम खुद पे उतना ही हंसोगे जितना इस वक्त मैं तुम सॉरी सो सॉरी।